दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बात करेंगे मोलरता की। ठीक है, तो मोलरता क्या है? एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले सांद्रता। एक्चुअली मोलरता से पहले आपको सांद्रता मालूम होना चाहिए। सांद्रता होती क्या है? जैसे कोई पदार्थ ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे सबस्टेंस, ऐसा बहुत सारे पदार्थ है। तो अगर मुझसे कहा जाएगा ए पदार्थ की सांद्रता बताओ, सांद्रता का मतलब होता है तुलना करनी होती है आपको। अगर ए पदार्थ की मात्रा की तुलना में कर दूं अन्य सभी पदार्थों से तो ये क्या कहलाएगी? पदार्थ ए की सांद्रता। अगर बी पदार्थ की मात्रा में ऊपर ले लूं, इसकी तुलना करता हूं कैसे अन्य सभी पदार्थों की मात्रा से, तो ये बी की सांद्रता। यानी समस्त पदार्थों की तुलना में, जो भी कोई मिश्रण दे रखा है उसमें जितने भी पदार्थ है, समस्त पदार्थों की तुलना में किसी विशेष पदार्थ की जो मात्रा होती है वही सांद्रता कहलाती है। यानी इन सबकी मात्रा ए की मात्रा बटा इन सबकी मात्रा, ये ए की सांद्रता हो जाएगी। बी की मात्रा बटा अन्य सभी पदार्थों की सांद्रता, ये बी की सांद्रता हो जाएगी। और सांद्रता को सिंपल कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि शरबत बनाया गया है, एक ग्लास के अंदर पानी है और पानी के अंदर चीनी को घोलकर शरबत तैयार किया गया। ठीक है, अब मुझे देखनी है क्या चीनी के इस विलयन की चीनी की सांद्रता निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा? चीनी की सांद्रता ऊपर ली जाएगी बटा जल की सांद्रता, चीनी की सांद्रता बटा जल की सांद्रता। तो अगर इस विलयन की सांद्रता, बोल रहा हूं कि सांद्रता ज्यादा है, मैं बोल रहा हूं कि इस विलयन की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब इस विलयन के अंदर जल की तुलना में चीनी अधिक है, मतलब क्या होगा? ज्यादा मिल जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस विलयन की सांद्रता कम है, अर्थात जल की तुलना में चीनी की मात्रा कम है, तो ये सांद्रता का कॉन्सेप्ट रहा। अब मोलरता को समझिए, ये जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसे अन्य भी कई नामों से जाना जाता है। मोलरता को ही, ठीक है, मोलरता है, मोलरता को अन्य शब्द से सक्रिय द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में एक्टिव मास भी कहते हैं और इसे ही मोलर सांद्रता भी कहते हैं। तो ये सारे नाम मोलरता के ही। मोलों की संख्या निकालना मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। अब आप हम देखते हैं क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है मोलरता। किसी भी पदार्थ की मोलरता, विलेय की मोलरता, मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर। यह इस तरह से फार्मूला हो गया। अब विलेय के मोलों की संख्या कभी कभी तो दे रखी होती है, नहीं दे रखी होती है, तो ये मैंने कल सिखाया था आपको कि मोलों की संख्या बराबर होता है क्या? भार बटा अणुभार। यानी विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले की जगह पे विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और बटे में क्या आ जाएगा? सबके बटे में विलयन का आयतन लीटर। बन गई वीडियो बात। तो ये हमारा रहा फार्मूला रहा इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, कोई किस प्रकार से मोलरता की हम गणना करते हैं। ये कुछ तत्वों के परमाणु भार मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो तीन तीन छह सात आठ हैं, इन्हें तो आप एटलीस्ट कम से कम आज ही और तुरंत अभी याद कर लीजिएगा, इनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं इसके बेस पे सवाल करके दिखाता हूँ कि मोलरता हम कैसे निकालेंगे, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम इसका कैसे और कहां इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन कह दिया गया कि भाई 2 लीटर पानी में या जल में, ठीक है, 2 लीटर पानी में या जल में हमने कोई पदार्थ घोला हुआ है। सपोज के नमक घोल दिया है, NaCl घोल दिया, नमक घोला हुआ है, कितना घोला हुआ है? 58.5 मान लेते हैं,
58.5 ग्राम मोलर खुला हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस विलयन की मोलरता बताओ। देखिए नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आप केवल चीजों को समझने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं या आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाकर वहां पर आप सबको उसमें ज्वाइन कराऊंगा और सारे के सारे कंप्यूटराइज नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। तो नोट्स की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है बेसिक चीजों को समझने पर जोर दीजिए, जिससे कि जब आपकी पढ़ाई शुरू हो आप कहीं भी पढ़े जहां भी पढ़े आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपको वहां पर रेस्पेक्ट मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, जिसकी हर व्यक्ति को अपेक्षा होती है। तो मुझे बताइएगा, कमेंट लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट्स में आपको बताइएगा कि आपको नोट्स की आवश्यकता है या नहीं। और मैंने आपसे पहले भी कमिटमेंट किया था कि अगर लाइक्स की संख्या 100 हो जाती है तो फिर मैं आपको लाइव क्लासेस देने शुरू कर दूंगा, और लाइव क्लास का मतलब है फिर आपको कहीं किसी संस्थान में कोचिंग की आवश्यकता ही पड़ने वाली नहीं है, कमिटमेंट देना आपके साथ। चलिए काम की बात पे आते हैं। मोलरता इस विलयन की कि पानी के अंदर नमक घोला गया है, मुझे इसकी मोलरता निकालनी है। मोलरता लिखूंगा मैं, निकालनी है मुझे। मोलरता को ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, गलती से भी स्मॉल एम मत बना दीजिएगा, वो एक डिफरेंट टर्म हो जाएगा, वो होता है मोलरता, जो कि मुझे आपको सिखाना नहीं है, ठीक है। तो मोलरता की बात करें, मोलरिटी कैपिटल एम। क्या फार्मूला है भाई, नमक का भार दिया हुआ है, मोलों की संख्या नहीं दे रखी है। अगर मोलों की संख्या दे रखी है और आयतन लीटर में दे रखा हो तो ये फार्मूला, अगर मोलों की संख्या दी हुई नहीं है तो वहां पर हम कैसे यूज करेंगे, कहां कैसे यूज करेंगे, देखिएगा। विलेय का भार कितना लगाएंगे हम, इधर क्या विलेय कौन है, जिस पदार्थ को घोला गया वो विलेय, तो नमक को घोला गया तो नहीं, नमक विलेय हो गया, विलेय का भार कितना 58.5 ग्राम। बटे में क्या आने वाला है, विलेय का अणुभार। ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे मोलों की संख्या पता नहीं, मुझे भार पता था। अगर मुझे मोलों की संख्या पता होती, अगर मुझे मोलों की संख्या ज्ञात होती और आयतन पता होता तो मैं डायरेक्टली इस फार्मूले को लगा देता। मोलों की संख्या मुझे मालूम नहीं है तो मोलों की संख्या की जगह मैंने क्या किया, इस फार्मूले को इस वाले फार्मूले से रिप्लेस कर दिया, इस वाले फार्मूले को इस फार्मूले से रिप्लेस कर दिया। कब करेंगे ऐसा, जब मोलों की संख्या मालूम ना हो। तो करते हैं, भार कितना हो गया 58.5, अणुभार है सील का, Na का परमाणु भार 23 होता है, Cl का 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो अणुभार भी कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है। बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ऑलरेडी दिया हुआ 2 लीटर, तो लगा दिया हमने, इससे से कैंसिल करोगे ऊपर 1 आ जाएगा बटा 2 आ जाएगा, तो 0.5। और इकाई चूंकि ऊपर मोल है और नीचे लीटर है, यहाँ पर मोल है, ये भार को अणुभार से भाग किया तो मोल बन गया, नीचे क्या लीटर, तो इकाई बन गई मोल प्रति लीटर। तो इसकी मोलरता कितनी है भाई, 2 लीटर के अंदर अगर 58.5 ग्राम नमक को घोला जाएगा तो विलयन की जो मोलरता होगी वो 0.5 मोल पर लीटर होगी। ये विलयन का सक्रिय द्रव्यमान भी क्या होगा, 0.5 मोल पर लीटर होगा, मोलर सांद्रता भी 0.5 मोल पर लीटर हो जाएगी। एक चलिए और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये बोला गया कि 500 मिलीलीटर जल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड घुल दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि विलयन की मोलरता यानी कैपिटल एम ज्ञात करो। तो आपको पहले डिसाइड ये करना है कि आपको मोलों की संख्या दी है क्या या भार दिया हुआ है। मोलों की संख्या वहां पर नहीं दी है और मोलों की संख्या की जगह पर वहां पर क्या दे रखा है, भार दिया हुआ है। तो मोलों की संख्या नहीं दे रखी है, भार दे रखा है, तो इस फॉर्मूले पर यूज करेंगे, विलेय का भार कितना लगा देंगे, 44 ग्राम लगा देंगे बटा विलेय का अणुभार, विलेय कौन है जिसे घोला गया, मतलब CO2। तो कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32, 32 और 12 44, तो इसका अणुभार कितना आ गया 44 बटा विलेय का आयतन लीटर में चाहिए, इस बार आयतन दिया तो है 500 लेकिन ये 500 मिलीलीटर में है, लेकिन मुझे काय में लगाना है, लीटर में। ऐसी आवश्यकता अगर पड़े कि मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो आप उसे 1000 से भाग कर दीजिएगा, मिलीलीटर लीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। आसान करना, बाहर बाहर की गुणा हमेशा ऊपर लिखिए, जल्दबाजी मत करिए काटने में, और अंदर अंदर की गुणा नीचे लिखिए। तो ऊपर आ जाएगा 44 गुणा 1000 बटे में क्या आ जाएगा, 44 गुणा 500,
नीचे आ जाएगा, मोलर फॉर्मूला ऊपर आ जाएगी। कैंसिल हो गया, 5 से 2 = 1000, तो मोलर तक कितनी आ गई भाई, 2 mol/L, क्यों, क्योंकि ऊपर मोल है और नीचे क्या है, लीटर है। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, कि 10 मोल चीनी को 5 लीटर जल में घोला गया। अब पूछता है कि बताओ भैया मोलर था बताओ, तो फिर भाई फार्मूला, लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि आपको ऑलरेडी मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की संख्या दे रखी है, तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। ये मतलब इस वाले फार्मूले को इस फार्मूले से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, मोलों की संख्या पता है मुझे, नीचे वाला फार्मूला हम अब यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। ऊपर क्या लगाएंगे, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कितनी, 10 मोल। बाटे में क्या चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में ही दिया हुआ है भाई, 5 लीटर, कुछ नहीं करना है ना, 5 × 10 आंसर आ गया कितना, 2 mol/L। तो इस तरह से किसी भी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता की बात हुई, अणुभार की बात हुई है, और एक बहुत बेसिक की चीज मैं आपको बताऊंगा जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, मैंने ये सिखाया क्यों आपको, वहां तक पहुंचने के लिए। अभी हम लोग रेट लॉ पढ़ेंगे, अब क्रिया के वेग का नियम पढ़ेंगे, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा, मोलरता कहा जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान बोला जाएगा, कभी एक्टिव मास बोला जाएगा, और कभी बोल दिया जाएगा मोलर सांद्रता। तो ये सारे एक ही टर्म है, इन्हें रिप्रेजेंट कैपिटल एम से किया जाता है। अब इसे सक्रिय द्रव्यमान के टर्म में कैसे दिखाते हैं, अगर मैंने H2O लिखा या सब कुछ और लिख लेते हैं, चलो भाई CO2 लिखा और ये ब्रैकेट लगा दी, तो ब्रैकेट कहलाती है क्या जानते हो, एक्टिव मास, ये सक्रिय द्रव्यमान, ये कहलाएगा क्या बन गया, CO2 का सक्रिय द्रव्यमान, यानी एक्टिव मास ऑफ CO2। और भी कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने NaCl लिखा और ब्रैकेट लगा दी, ये क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ NaCl, यानी NaCl का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हम कल एक दो क्लासेस होंगी आपकी बेसिक वाली, फिर हम सीधे सीधे सिलेबस आपका स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक्टिव मास, यानी किसी पदार्थ का अगर एक्टिव मास ज्यादा है, मोलर सांद्रता ज्यादा, एक्टिव मास ज्यादा, मैंने चीनी का उदाहरण दिया था, चीनी को बोला गया था पानी के अंदर, अगर एक्टिव मास ज्यादा है इट मींस वहां पर CO2 ज्यादा है, अगर एक्टिव मास कम है मतलब CO2 कम है, NaCl का एक्टिव मास ज्यादा है मतलब NaCl विलयन में ज्यादा है, एक्टिव मास कम है तो कम है। तो किसी पदार्थ का एक्टिव मास इतना ज्यादा होगा तो रिएक्शन के समय वो इतनी तेजी से रिएक्शन करेगा, और एक्टिव मास जितना कम होगा रिएक्शन के समय वो उतना स्लो रिएक्ट करेगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कल मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, जहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने, फिर हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे।